गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। आर यू? आई एम फाइन मैम एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन। आई एम आसे खान बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को हम व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम शब्द पढ़ाएंगे। संज्ञा शब्द को आप लोगों ने पढ़ा था पिछले सेशन में, बुक ए में था आपका ना। यस मैम। संज्ञा शब्द का डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है, आज इसलिए हम सर्वनाम शब्द की पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बुक yes, कर रहे हैं। वैसे भी आप लोग पिछले क्लासेस में ग्रामर की बुक में पढ़े भी थे, चलिए उसी चीज को हम दोहराएंगे। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को? यस मैम। सर्वनाम देखिए बेटा, जिसकी वजह से आवाज आ रही हो अपना माइक बंद रखिए। तो सर्वनाम किसे कहते हैं यशवर्धन, आप बताएं। बुक नहीं को ओपन करना है, बुक तो छोड़िए, आपको बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं हम। बरका आप बुक में क्या पढ़ रहे हैं? किसी जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, तो चलिए तो संज्ञा पे जो हाँ जो प्रयोग किए गए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम ध्यान दीजिएगा वर्षा, तो कौन कौन चीजें हो सकती है जो हम संज्ञा की जगह पे प्रयोग करते हैं? वर्षा बताइए। हम तुम हमारे, तो वाक के माध्यम से आप बताएंगे है ना। जैसे मोहन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा है या सर्वनाम है? बताइए बेटा। संज्ञा। कौन कौन सा सब संज्ञा है? मोहन, मोहन है ना। और उसी को हम लिख दे मतलब कहें कि वह जा रहा है, तब क्या हो जाएगा? सर्वनाम है ना। जब यहाँ हम मोहन करे, मोहन जा रहा है तो संज्ञा शब्द है, और उसी को हम करे वह जा रहा है तो हो जाएगा सर्वनाम शब्द। ऐसे ही हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्या है, कौन सी क्लास है, हम क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम हम, मैं पढ़ता हूँ, हम सभी पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम क्या कर रहे हो, यह हमारा घर है ना, हम सब yes, पढ़ते हैं, तुम सब देख रहे हो, तुम सभी पढ़ रहे हो, ओ वाह वे हम तुम हमारा हम सब तुम सब, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जो संज्ञा की जगह, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए गए हैं, प्रयोग किए जाते हैं। हाँ चलिए अब हम आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं, कोई बताएगा? मैम सिक्स। कौन कौन से है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। राजपाल आप बताइए, एक एक करके बताइए, आप बताइए। निजवाचक, अनिश्चय,
निश्चय संबंधवाचक आशा बताइए बेटा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निज स्क्रीन पे आपको दिखाया भी गया है सर्वनाम के जो भेद हैं, देख रहे हो ना डिटेल मतलब उसका सभी लोग? यस मैम। अब हम इसका डिटेल जानेंगे। जो छह सर्वनाम शब्द हैं, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठवा प्रश्नवाचक। ये आपके छह सर्वनाम शब्द हैं। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला सर्वनाम शब्द क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, तीन लोग हो सकते हैं, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। एक हम होंगे, एक तुम होंगे, एक वह होगा। हम तुम आपस में बातें कर रहे हैं और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। वह जा रहा था, वह खेल रहा था, जैसे हम आपसे कह रही हैं, वह खेल रहा था, मैंने उसे देखा था, वह खेल रहा था, मैंने यश को अपने घर में खेलते हुए देखा था, उसे दौड़ते हुए देखा था। तो हम किसके बारे में बात कर रही है ना, तो तीन तरह के हो गए। आई बात समझ में? मैं, तुम, वह, ये तीन जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन रूप हैं। जो किसी पुरुष का नाम न देकर, जैसे हम न कहे साक्षी पढ़ रही है, ऐसा न कहकर कह दे वह पढ़ रही है, बरखा दौड़ रही है, ना कहके कह दे तुम दौड़ रही हो, है ना। तो नाम की जगह पे हम जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं किसी पुरुष के नाम के स्थान पर, तो वह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद किए गए हैं, कोई बताएगा? यस मैम। बताइए बेटा। मैम उत्तम, उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। वेरी गुड। देखिए यहाँ स्क्रीन पे है भी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अब हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए कैसे किस तरह से सबका डिटेल अलग अलग हो रहा है। पहले हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी कि सर्वनाम के भेद हो गए। अब सर्वनाम के भेद में पहला भेद है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद हो गए हैं, हो गए ना? यस मैम। पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। और तीसरा क्या है? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तीन भेद हुए। अब हम इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन चीजें आएंगे, कोई बताए? मैम मैं, कौन से शब्द आएंगे? मैं, हम, मुझे, हमने। मध्यम पुरुष में? तुम, वह, आप, तुमने, तुम्हें,
उसे अन्य पुरुष में वाह उसने अब देखिए इसको डिटेल में यहाँ है। पहला आपने उत्तम पुरुष पता तो बोलने या बातचीत करने वाला व्यक्ति कौन जो बोल रहा हो या बातचीत कर रहा हो। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना तो हम क्या हो गए yes, बोलने वाले बातचीत करने वाले व्यक्ति कौन हो गए हम ही तो हुए मैम आप। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या हो गई उत्तम पुरुष। मैंने इस पीडीएफ को मैंने बनाया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए ठीक है। तो इसमें मैंने क्या हो गया उत्तम पुरुषवाचक ठीक है। तो इस तरह से मैं मुझे मेरा हम हमारा यानी बोलने वाला या बातचीत करने वाला व्यक्ति जो अपने लिए प्रयोग करता है जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। है या मेरी किताब है मैं पढ़ा रही हूँ घूमने जाना है हम आपसे कल मिलेंगे हमें आज फुर्सत नहीं है हमारा घर बहुत सुंदर है ना। ये सारे शब्द आपके उत्तम पुरुष में आ गए जो अपने लिए हम प्रयोग कर रही हूँ। दूसरा क्या है मध्यम पुरुष जो हम आप है ना जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए सुनने वाले आप लोग हैं ना तो हम आप लोगों के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो हो गए मध्यम पुरुष। क्या हो गया मध्यम पुरुष तू तेरा तुम्हारा मेरा है ना इसमें आप हम तुम तुम्हारे तुम क्या कर रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो तेरा क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है तुम कैसे हो हाँ आप कहाँ जाओगे। बड़ों के लिए हम आपका प्रयोग करेंगे छोटों के लिए हम तुमका प्रयोग करेंगे का क्या नाम है ना यही है मध्यम पुरुष कहाँ जा रहे सब सुनने के लिए। अब तीसरा आ गया अन्य पुरुष देख रहे हो आप सभी लोग yes, ma'am. जो सर्वनाम शब्द वक्ता किसी अन्य yes, ma'am. वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। वह उसकी वाले बात कर रही है वह वे उसका उसकी उसका उसकी उसे है ना तो आपका अन्य पुरुष आदि सब मैम आपकी बात नहीं आ रही। चलिए बेटा तो समझ में आ गया तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम yes, ma'am. पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पहला उत्तम पुरुष तीसरा अन्य पुरुष। अब आते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद क्या है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे मुस्कान जो सर्वनाम सब निश्चित रूप से किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह घर श्रीलेश का है वह घर रंगनाथन का है। इसके अलावा भी कुछ बताइए तो यहाँ लिखा हुआ है ना रंगनाथन। देखिए बेटा निश्चय इसको हम बदल नहीं सकते जो अडिग है निश्चय इसमें कोई शंका नहीं होता है ना। यह घर श्रीलेश का है या यह पेंसिल मेरी है
मेरे हाथ में है तो मेरी पेंसिल तो ही होगी, दूसरे तो नहीं हो सकती है ना। घर yes, yes, मेरा ही तो होगा, या किताब मेरी है, या तुम्हारा घर है, या फिर यह तुम्हारी किताब है, तो ये सारे निश्चय चीज, निश्चय रूप से जिसकी चीज होती है वहां पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूप है आपका अनिश्चय। अनिश्चय दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सबको? यस मैम। जो सर्वनाम, यस मैम, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चय संज्ञा स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जैसे करनी वैसी भरनी, जो पूरा काम करेगा वो सजा पाएगा, यानी यह अनिश्चय है। ठीक है, जो शब्द किसी अनिश्चय संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, निश्चय नहीं है जो चीज। अब आप क्या करने वाले हो यह हमें निश्चय नहीं है ना, आप क्या करने yes, वाले हो यह निश्चय yes, नहीं है, इसलिए वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि जैसा करो वैसा भरोगे, जो बुरा करेगा बुरा कर पाएगा, जो अच्छा करेगा उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, है ना। निश्चय है, अनिश्चय है, सही तत्व नहीं बता सकते हैं। घर मेरा है, कलम मेरी है तो निश्चय है, लेकिन आप क्या करने वाले हो यह हमारे लिए अनिश्चय है, इसको हम भी बता सकते हैं कि आप क्या करने वाले हो। तो ऐसे चीजों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, यस यस मैम, यस मैम। अब आ गया संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने कर जिसको कहे वही पड़ेगा, एक साथ ही बोलना। तो अब आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, चौथे स्थान पे क्या आया, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, चाहे संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, वाक्यों से उसके संबंध बताए जाते हैं, एक दूसरे का संबंध वाक्यों में, जैसे हमारा आपका संबंध है वैसे ही जो वाक्य होते हैं उसमें कई शब्द तो होते हैं बेटा, वाक कई शब्दों से मिलकर तो बनता है। yes, ma'am. तो शब्दों का संबंध आपस में बता रहे हैं, वाक में शब्दों का संबंध बता रहे हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संबंधवाचक जैसी करनी वैसी भरनी, या किताब उसकी है तो किताब का संबंध किससे होगा, उससे होगा ना, या कलम तुम्हारी है तो कलम की संबंध किससे जुड़ रहा है, तुमसे जुड़ रहा है ना। तो संज्ञा कलम है और तुम्हारे से संबंध जुड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द होगा बताइए बेटा,
संबंधवाचक शब्द, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। पांचवा पे क्या आएगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न रूप में, प्रश्न पूछने में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसके लिए प्रयोग होते हैं वो? प्रश्न के लिए मैम, प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न रूप में, यानी प्रश्न रूप में जो प्रश्न पूछा जाता है, आदमी क्या देख रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कहाँ रहते हो। एक चीज ध्यान देंगे आपको, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द है, तुम कैसे, कहाँ पढ़ते हो, किसे, क्या, प्रश्नवाचक शब्द है ना सारे आप। यस मैम। तुम्हारा क्या नाम है? यस, ये सारे जो है आपको आदमी क्या है, वो आदमी क्या ले रहा है, वो आदमी क्या ले रहा है। अब अगला यानी अंतिम आ गया निजवाचक। निजवाचक क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम खुद के लिए कर रहे हैं या आप अपने लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, बच्चा अपने आप सीढ़ियां चढ़ गया, तो अपने आप यानी बच्चा किसी की सहायता के बिना खुद का सीढ़ियां चढ़ गया, अपने आप चढ़ गया, तो अपने आप क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम शब्द है। आस्था ने अपना काम स्वयं कर लिया, मैं स्वयं लिख लेती हूँ, यानी किसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप स्वयं से जो कर ले। करता अपना जो है खुद अपने लिए प्रयोग करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें बच्चा करता है, अपने आप सीढ़ियां चढ़ गया, तुम अपना गृहकार खुद कर लेते हो। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। समझ आ रहा है बेटा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, निजवाचक सर्वनाम क्या है, कोई बात बताइए आप लोग अपने मन से। साक्षी, जो शब्द प्रश्न रूप, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द प्रश्न रूप, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैं, हाँ बोलिए बेटा। जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आप सारे सर्वनाम शब्दों को समझ गए हो, अभी जो पढ़ाया गया? यस मैम। वो छह सर्वनाम थे, उसके अंतर्गत जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद थे, सारा समझ गए हो? यस मैम। चलिए बेटा, यस, ध्यान दीजिएगा, पांच ही लोग, पांच छह लोग बचे हो। चलिए साक्षी, मैम ओनली फोर लोग हैं। हाँ, आप भी जो है
देखते हैं कितना पढ़ने के बाद आपको कितना याद है। राजपाल बेटा आप बताओ कि सर्वनाम के कितने वेद किए गए हैं, अभी अभी हमने पढ़ाया है आपको। सर्वनाम के 6 भेद। नाम बताइए आप। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। वेरी गुड, आपको 6 नाम याद है। चलिए शिवान्या अब आप बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी, हाँ बोलिए, जाति का बोध कराते हैं। बोलिए बेटा आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। किसे बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए आप। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष आस्था को याद है बेटा। देखिए क्लास में yes, याद हो तो फिर से उसी चीज को हम बताएंगे। ये नहीं कि मैम पूछ रही तो हम क्लास छोड़ दे, हमें नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है किसी को। आस्था आपको पुरुषवाचक सर्वनाम सब किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के, नो, जो सर्वनाम शब्द ध्यान दीजिए, जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद किए गए हैं। मैम 3 कौन कौन से। उत्तम पुरुष, उत्तम मध्यवाचक, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक। आप बताएंगे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। बोलने वाला या बातचीत करने वाला, बोलने वाला या बातचीत करने वाला सब वो है ये व्यक्ति प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो व्यक्ति बोलने वाला या बातचीत करने वाला व्यक्ति प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे है मैं मुझे, वह, वहाँ नहीं, हम, हमें मुझे, हम, मैं, हम, हमारा, मैं, मुझे, हमें, हम, हमारा, हम सबका, है ना, हम सबका, हम सब। उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष क्या है बेटा, कोई बताए। जो सर्वनाम जो जो व्यक्ति है बोलने वाले का सुनता है, जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयुक्त जाते हैं मध्यम बातचीत सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष। जैसे एग्जाम्पल बताइए।
मेरा तुम तुम्हारा तुम मेरा नहीं मेरा मेरा नहीं करो मेरा आपका पटम में आ गया तुम तुम्हारा तुम्हें आपका आपका ने आप आपने तुम्हारा का अपने आदि अच्छा चलिए अन्य पुरुषवाचक संज्ञा किसे कहते हैं करने जो सर्वनाम शब्द किसी ऐसे जो सर्वनाम शब्द किसी तीसरे जो सर्वनाम शब्द वक्ता किसी जो सर्वनाम शब्द किसी वक्ता किसी संज्ञा शब्द प्रयोग किया जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला किसी तीसरे के वक्ता अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कौन कौन से होंगे साक्षी आप बताइए आप कुछ नहीं बोल रही हो साक्षी करो मैं का प्रयोग हो गया तुम का प्रयोग हो गया अब जो बच्चे तुम्हारा हमें उसका तुम का प्रयोग अब जो बच्चा हुआ है वही अन्य पुरुष में जाएगा अब बताइए क्या हो सकता है आप लोग नहीं बोलोगे उसका उसकी उनका तू तुम्हारा फिर तुम्हारा बोल रही हो तुम तुम्हारा को निकाल दीजिए हम हमारा को निकाल दीजिए हम हमारा आपका उत्तम पुरुष हो गया तुम तुमसे संबंधित शब्द आपके मध्यम पुरुष में हो गए अब बचा क्या आगे लगाओ थोड़ा दिमाग दौड़ाओ उनका उनकी उसे उन्होंने वह वे उसकी ना? तो यही जो शब्द बचा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है आई बात समझ में यस मैम यस मैम यस मैम आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद थे दूसरा क्या है इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक में क्या होगा कोई बताए गौरव आप भी बताइए बेटा जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं आप शांत रहिए जब हम इसका नाम निश्चित को बोलने दो चलिए गौरव बताइए गौरव साक्षी यस मैम आप लोग भी बोलिए बेटा मैम जिन सर्वनाम शब्दों का जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्ण बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे किसी को जैसे यह वह वे ये आदि नो या यह अपने घर पर रहता है देखिए वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे यह कलम मेरी है तो निश्चय है ना कि कलम मेरी है इसमें कोई दो राय नहीं है यह घर साक्षी का है या किताब आस्था की है वह तुम्हारा घर है यह वस्तु मेरा है तो यहाँ पर निश्चित चीज आपकी है ना तो यहाँ पर निश्चय वाचक सर्वनाम शब्द हो रहा है यस अगला कौन सा है अनिश्चित वाचक सर्वनाम अनिश्चय वाचक सर्वनाम
जो सर्वनाम दो सर्वनाम किसी ऐसे संज्ञा के स्थान पर प्रमुक्त हो जो निजवाचक ना होकर अनिश्चितता का बोध कराते हैं उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कि किसी शायद यह किताब मेरी है, हो सकता है यह घर आपका का हो, कोई कुछ नहीं जान कोई नहीं जान सकेगा और कोई बाहर दूध वाला आया है, शायद बाहर दूध वाला शायद मेरा पेंसिल टूट गया है ना, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं वह निश्चित नहीं है, शायद लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर व्यक्ति वस्तु की निश्चित अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चितवाचक नाम शब्द है। तो चलिए तीन हो गया, चौथा आपका क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द इसमें क्या होता है? सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होते हैं उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम के जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, आपका संबंध वाचक है ना। चलिए उसके बाद क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं यह पेंसिल मेरी है। चलिए बेटा, तो आपका सेशन भी समाप्त हो गया है। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग सर्वनाम शब्दों से युक्त दो दो वाक्य पूरा पूरा वाक्य बनाएंगे भेजेंगे। जैसे मैम किसके सर्वनाम है तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीनों भेद हैं दो दो वाक्य बनाएंगे, ऐसे निश्चयवाचक में दो वाक्य अनिश्चयवाचक में दो दो वाक्य सारे सर्वनाम का दो दो वाक्य बनाएंगे, वाक प्रयोग करके भेजेंगे। ठीक है मैम? किस चीज का वाक प्रयोग करना? सर्वनाम शब्दों का, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है उसके तीन भेद किए गए हैं, वाक बनाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यस मैम, वाक बना के करेंगे है ना, एग्जांपल वही। यस मैम। ठीक है, ये लिख देंगे निश्चयवाचक में लिखेंगे दो वाक, फिर अनिश्चयवाचक में लिखेंगे पुरुषवाचक में लिखेंगे, इसको आप कर देंगे। ठीक है, इसको आप कर देंगे। यस मैम। ठीक है बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। बाय बाय।